सर आज टेस्ट ना है हाँ आज टेस्ट ले लेंगे वो वॉट्स पे भेज देंगे एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है वो व्हाट्सएप पे भेज देंगे फिर आप लोग उसको करके ए, मेल कर दीजिएगा ना सर, क्लास के बाद, हाँ, क्लास के बाद, भेज देंगे. क्लास के बाद जो है व्हाट्सएप पे भेज देंगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ठीक है सर मैं सर आज एग्जाम है सर तो लेट से मैं भेज सकता हूँ हाँ नहीं, कोई नहीं आप आप उसको भेज देना करके भेज देना ठीक है सर लगा देना सर हाँ 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 टुडे इन द सब्जेक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूनिट सेकंड एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द लिनियर मेजरमेंट इन दिस केस डिफिनेशन ऑफ द द रोल ऑफ द स्टैंडर्ड standards of the length what are the different standard of the length international prototype meter this is the international prototype meter imperial standard yard imperial standard yard then disadvantage of the material length standard optical wavelength standard light wavelength standard Advantage of using the wavelength standard, subdivision of the standards, primary standard, secondary standard, tertiary standard, working standards, line standard, and characteristics of the line standard and the end standard, characteristics of the end standard, calibration of the end bars, and sleep gauge. Sleep gauges, manufacture of the sleep gauges, product sleeps, Indian standard of the sleep gauges. How to measure with the sleep gauges? This will today we will discuss in the case of the linear measurement. And in case of the linear measurement, sleep gauges will be discussed working of the slip gauges these are the slip gauges in standard line standard primary secondary tertiary standard wavelength standard material length standard imperial standard yard standard of the length and the रोल ऑफ द स्टैंडर्ड ये सारी चीजें आपको लिनियर मेजरमेंट में आपको डिस्कस किया जाएगा तो ए स्टैंडर्ड इज डिफाइंड एज समथिंग दैट इज सेट अप एंड स्टेब्लिश बाय एन ऑथोरिटी एज ए रूल ऑफ द मेजर ऑफ द क्वांटिटी वेट एक्सटेंट वैल्यू और क्वालिटी स्टैंडर्ड को जो डिफाइन किया गया है एथोरिटी के द्वारा रूल ऑफ द मेजर ऑफ द क्वांटिटी वेट एक्सटेंट वैल्यू और क्वालिटी को करने के लिए किया जाता है ए मीटर इज ए स्टैंडर्ड स्टैब्लिश द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ मीटर एक आपको स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड का आपको डिफनेशन है द रोल ऑफ द स्टैंडर्ड द रोल ऑफ स्टैंडर्ड इज टू अचीव यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट एंड रिपीटेबुल मेजरमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड यही स्टैंडर्ड बनाने का मतलब यही है कि थ्रूआउट द वर्ल्ड एक यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट एंड रिपीटेबुल मेजरमेंट हासिल किया जा सके यही इसका जो मेन मकसद है यही है टू अचीव दिस ए मेजरिंग सिस्टम एडेकुएट टू डिफाइन द फीचर ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बना दिया गया है मीटर को स्टैंडर्ड बना दिया गया है

न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन ये आपको टेरेस्का का आपको ये दिया हुआ है प्लेटनम इेडियम एलोय का होता है वन मीटर इसका आपको लेंथ है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आपको न्यूट्रल एक्सिस इनलाइन ये आपको दिया हुआ है है ना द टेरेस्का का क्रॉस सेक्शन ये आपको टेरेस्का क्रॉस सेक्शन है इसी का क्रॉस सेक्शन यहां पर आपको दिखाया गया है ये यह यहां पर आपको दिखाया गया है है, for, for है standard, in, in standard, ना रेस का क्रॉस सेक्शन गिव्स ग्रेटर रिजिडिटी फॉर द अमाउंट ऑफ द मटेरियल इनवॉल एंड इज देयरफॉर इकोनॉमिक इन द यूज ऑफ एन एक्सपेंसिव मटेरियल द प्लेटिनम इरिडियम अलॉय इज यूज्ड बिकॉज इट इज द नॉन ऑस्टोड एप है ना इंपीरियल स्टैंडर्ड एन इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड इज अ

ये आपको यार्ड आपको दिखाया गया है न्यूट्रल एक्सिस है ये आपको गोल्ड प्लग है और ये 36 इंची आपको 620 डिग्री फेरानाइट पे ये आपको रखा जाता है इसमें 80 परसेंट सीयू थर्टीन परसेंटीन एंड फाइव परसेंट जिंक है वन स्क्वायर इंच क्रॉस सेक्शन का ये आपको यार्ड है।, है ना ये आपको यार्ड है ब्रांच यार्ड was the official standard of the length for the United States between 1815 and 1892. Right? Disadvantage of the material length standard. Material length standard vary in length over the years owing to the molecular changes in the The exact replica of the material length standard are not available for the use of the somewhere else.

टेम्परेचर के साथ वेरी करते है रहता है इसीलिए जो है आपको लाइट ऑप्टिकल वेबलेंटर्ड दिलिटी स्टैंडर्ड बीन कंसिडर्ड देंथ ऑफ अक्टेड एडिशन ऑफ द लाइट एंड यूज एज द बेसिक यूनिट ऑफ देंथ सिंस द वेब लेंथ इज ए नॉट ए फिजिकल वन इट नीड नॉट बी प्रिजर्व एज कैन बी इजिली रिपोर्टिबुल विदऊ द ईयर ये आपको वेवलेंथ स्टैंडर्ड है एक क्रिप्टन फील्ड डिस्चार्ज ट्यूब इन शेप ऑफ द एलिमेंट एटॉमिक सैम्बल ए कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस नोबल गैस क्रिप्टन अकर्स इंटरेस्ट अमाउंट इन द एटमोस्फेयर इज आइसोलेटेड बाय द फ्रैक्शनली डिस्टेलिंग लिख लिक्विफाइड एयर है ना ये आपको क्रिप्टन फील्ड डिस्चार्ज ट्यूब वेब लेंथ स्टैंडर्ड ये आपको बनाया गया द हाई पावर ऑफ द रिलेटिव ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द क्रिस्टन क्रिप्टन दूब कॉर्ज फ्रॉमटीन सिक्सटी टू नाइन थ्री मीटर टू बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ दाइन ऑफ दिप्टन एटी सिक्स एडवांटेज ऑफ यूजिंग देंथ स्टैंडर्ड लेंथ डज नॉट चेंज इन केस ऑफ देंथ स्टैंडर्ड it can be easily reproduced, easily if destroyed. this primary unit is easily accessible to any physical laboratory. it can be used for making measurement with <coughs> much, much higher accuracy than the material standard. wavelength standard can be reproduced continuously at any time at any place. ये आपको वेवलेंथ स्टैंडर्ड का आपको बेनिफिट्स है ये आपको वेवलेंथ स्टैंडर्ड आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है क्रिप्टन फील्ड डिस्चार्ज ट्यूब में आपको वेवलेंथ स्टैंडर्ड आपको यहां पर आपको दिख, दिखाया जा रहा है ये सारे इसके एडवांटेज हैं सब डिवीजन ऑफ द स्टैंडर्ड द इम्पीरियर स्टैंडर्ड यार्ड एंड द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर आर द मास्टर स्टैंडर्ड एंड कैन बी यूज्ड फॉर द ऑर्डिनरी पर्पस Thus, based upon the accuracy required, the standard are divided into the four grades: primary standard, secondary standard, tertiary standard, and the working standard. Based upon the accuracy required. Primary standard, they are material standard preserved under the most careful condition. These are not used for directly for measurement, but as used once in the 10 or 20 years of the calibrating the इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर इंपेरियल इन दीज स्टैंडर लॉन्ग इंटरवल्स अंडर दुपरविजन एंड सर्व एज ए रिफरेंस फॉर दी स्टैंडर्ड Tertiary standard, the primary or secondary standard, exists as the ultimate control of the reference at rate of the interval. Tertiary standard are the reference interval implied by the National Physical Laboratory in the first standards to be used in the reference laboratory. Working standards, these standards are similar in design to the primary, secondary, and tertiary standard, but being less in the cost and are made of the low grade material, they are used for the general application in the metrology laboratory. Sometimes referred as a classified as a reference standard, calibration standard, inspection standard, and the working standard. Different type standard ke when the length being measured and is expressed as the distance between the two lines then this is called the line standard measuring scales imperial standard yard international prototype meter these are the line standard characteristics of the line standard scale can be accurately engraved but it's difficult to take the advantage of this accuracy a steel rule can be read to about plus minus 0.2 mm for the true dimension a scale is quick and easy to use over a wide range of the measurement. The wear on the leading ends result in the undersizing. A scale does not possess a built-in datum which would allow easy scale alignment with the axis of measurement. This again results in the undersizing. Scales are subjected to the parallax effect, which is a source of both positive and negative reading errors.

in standard in standards are subjected to wear on their measuring faces in the standards have a built in datum because their measuring faces are flat parallel and can be positively located on a datum surface they are not subjected to the parallax effect since their use depend on the field groups of the block may be rung together to build up any length but faulty ringing leads to the damage the accuracy of both end and line standard are affected by the temperature change. And calibration of the end standard. The actual length of the end bar can be found by the ringing them together and comparing them with a calibrated standard using a level comparator and individually comparing among themselves. And the procedure is clear here. Numerical problem. 300 mm in bars are measured on the level of the computer by first bringing them together and comparing with a calibrated 300 mm bar area of the plus 40 mm the three end bars together measure 64 mm less than 300 mm bar bar a is the 100 mm longer than the bar b 23 थ्री लंगर देन वार्सी एक्चुअल लेंथ ऑफ द ईच ये आपको यहां पर आपको दिया हुआ है तीनों बार का आपको दिया हुआ है है ना ए बी सी 300 प्लस 40 माइक्रॉन 64 फोर आपको लेंथ निकालना है तीनों बार का यहां पर एल ए निकालना है एल बी निकालना है एल सी निकालना है ये आप आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं कंपेयर करके ये आप निकाल सकते हैं एल ए एल बी एंड एल सी है ना ये बार आपको यहां पर दिया हुआ है इसका लेंथ निकालना है लेंथ आप इसको आप निकाल सकते हैं स्लिप गेजेज और जॉनसन गेजेज ये आपको स्लिप गेज है और जॉनसन गेज है स्लिप गेज ऑफ द लेंथ फेस लेंथ एंड फेस ये आपको बॉक्स में आता है इसको स्लिप गेज बोलते हैं। बॉक्स में आता है सारा डायमेंशन का आपको यहां पर आपको आपको मेंशन किया गया है, लाइन वाइज आपको रखा हुआ है ये स्टैंडर्ड होता है ये सारा आपको एक एक करके यहां पर आपको मिटूटो का है मिट्टू टोयू कंपनी का है आर ब्लॉक्स ऑफ द स्टील दैट द साइज To very high standard of accuracy and the surface finish a gauge block also known as the johnson gauge slip gauge or the joe block is a precision length measuring standard consisting of a ground and left metal or the ceramic block slip gauges are invented in the 1896 by the swedish machinist carl edward johnson and manufacturer of the slip gauges

आपको यहां पर आपको बताया हुआ है ये स्टेप फर्स्ट है स्टेप फर्स्ट में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाएंगे फिर उसको 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 प्रेस करके रोटेट करेंगे और फिर ये वृंग करेंगे ये वृंगिंग ऑफ द स्लिप गेजेज का आपको फिगर अच्छी तरह आपको समझाया हुआ है स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड एंड द स्टेप थर्ड है ये आपको रिंगिंग ऑफ द स्लिप गजेज आपको बताया गया इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ द स्लिप गैजेज है ना? इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ आर अकॉर्डिंग टूर ग्रेड जीरो पर आपको, ये, आपको दिखाया हुआ है एम्स एटी सेवन सेट ऑफ द स्लिप गेजेज रेंज कितना है स्टेप कितना है नंबर ऑफ पीसेस कितना है टोटल 87 पीसेस का आपको यहां पर आपको बताया हुआ है ये स्टेप्स आपको बताया हुआ है ये रेंज आपको बताया हुआ है ये नंबर ऑफ द पीसेस आपको कितने बक्सा में रहेगा वो आपको बताया हुआ है, है ना 87 सेवन सेट ऑफ द स्लिप गेजेस के बारे में बताया हुआ है और वन ट्वेल्व सेट ऑफ द स्लिप गेजेस के बारे में आपको बताया हुआ है नंबर ऑफ पीसेस जो टोटल बॉक्स में कितना रहेगा उसके बारे में आपको बताया जा रहा है रेंज के बारे में बताया जा रहा है स्टेप्स के बारे में आपको बताया जा रहा है कितना रहेगा टोटल 112 पीस जो है बॉक्स में आपको गेज रहेगा उसी के बारे में आपको टेबुल में आपको समझाया जा रहा है रेंज पहले फिर स्टेप्स देन नंबर ऑफ द पीसेस इतने नंबर ऑफ पीसेस उसमें रहेंगे 101 से 149 में 49 पीसेस रहेंगे 0.5 से 24.5 में 49 पीसेस रहेंगे और यहां पर आपको चार आपको दिया हुआ है 25 50 पचहत्तर एक का चार पीस रहेगा और 1.005 का वन पीस रहेगा ये आपको बताया हुआ है है ना नंबर ऑफ पीसेस 112 पीस में आपको बताया हुआ है इम्पोर्टेंट नोट्स On the building the, of the slip gauges. I'll always start with the last decimal place, then take the subsequent decimal place. Minimum number of the slip gauges should be used by the selecting the largest possible block in each step. If in case of the protective slips are used, first deduct a from the required dimension, then proceed as per above order. And M18 said, say, 49.3825 कैसे बनाएंगे ये यहां पर आपको दिखाया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ द स्लिप्स ये आपको डायमेंशन बनाना है पहले 40 लेंगे फिर 6 लेंगे फिर 1.38 लेंगे फिर 1.002 लेंगे 1.05 लेंगे ये आपको मिलकर के आपको बन जाता है ये आपको स्लिप गेज आपको बना करके ये डायमेंशन आपको दिखाया हुआ है है ना फोर्टी नाइन mm का बनाना है तो एक फोर्टी का लेना पड़ेगा फिर सिक्स का लेना पड़ेगा फिर वन पॉइंट थ्री एट का लेना पड़ेगा फिर वन पॉइंट जीरो का लेना पड़ेगा फिर का लेना पड़ेगा ये आपको फोर्टी नाइन पॉइंट थ्री एट टू फाइव एम एम आपको बन जाता है ये सारा फिगर में आपको बताया हुआ है करके आपको सारा आपको बताया हुआ है दूसरा एटी कैसे बनेगा ये पहले एटी का लेंगे फिर फोर का लेंगे फिर वन पॉइंट थ्री टू का लेंगे फिर वन पॉइंट जीरो जीरो वन का लेंगे फिर वन पॉइंट जीरो जीरो फाइव का लेंगे ये आपको बन जाएगा ये आपको पूरा फिगर में आपको समझा करके आपको क्लियर आपको बताया जा रहा है और ये कैसे बनेगा स्लिप गेज ये आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है है ना क्लियर आपको यहां पर बताया जा रहा है सारे एक एक करके आपको फिगर में आपको समझाया जा रहा है स्लिप गेज का है ना फिर सिमिलरली थर्टी पॉइंट थर्टी फाइव पॉइंट फोर एट सेवन फाइव एम वन बनेगा यह पर आपको बताया जा रहा है, है ना यूज टू प्रोटेक्टर स्लिप आपको दिया हुआ है टू पॉइंट फाइव एम एम का 2.5 mm 2.5 mm का प्रोटेक्टर स्लिप लगाया गया है और कॉम्बिनेशन ऑफ द स्लिप ये आपको यहां पर आपको बताया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ द स्लिप गेज ये आपको बताया गया है उसके बाद आपको एंगुलर मेजरमेंट आता है तो एंगुलर मेजरमेंट आपको कल कर देंगे आज आप लीनियर मेजरमेंट पे ही कंसंट्रेट कीजिए है ना तो ये बिल्डिंग ऑफ द स्लिप गेजेस यूजिंग द टू प्रोटेक्टर स्लिप ऑफ द टू पॉइंट फाइव इंच ये आपको कॉम्बिनेशन आपको यहां पर बताया गया है ये फिगर में आपको दिखाया गया है फिगर में आपको दिखाया गया है कॉम्बिनेशन आपको बताया गया है स्लिप गेज गेज कैसे करेंगे यह यहां पर आपको बताया गया है, है ना? उसी तरह 87.32115 कैसे करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द स्लिप गेज यहां पर आपको बताया गया है, है ना? 80 लेंगे 4 लेंगे, 1.32 लेंगे 1.001 लेंगे 1.005 लेंगे है ना? फिर आपको कई एग्जाम्पल दिए गए हैं फोर्टी नाइन पॉइंट थ्री टू फाइव मैं अटेंडेंस सभी का अब ले लेता हूं शिखर जी प्रजेंट थर्टी नाइन रोनक अंकित शर्मा जी सिक्स गौरव जी 16 इंच प्रजेंट हिमांशु जी सेवेंटीन इंच प्रजेंट 19 इंच प्रजेंट प्रिंस सरवजी 31 इज प्रेजेंट राहुल जी 32 इज प्रेजेंट राखी जी 37 इज प्रेजेंट ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट चंदन शाह जी एट इज प्रजेंट पवन नेगी जी थर्टी इज प्रजेंट राहुल जी थर्टी टू इज प्रजेंट रामदत्त भट्ट जी थर्टी एट इज प्रजेंट तो आज जो जो प्रेजेंट हैं रामदत्त भट्ट जी 38 राहुल जी 32 पवन नेगी जी 30, चंदन शाह जी एट आकाश पवार जी थ्री ऋषभ नायक जी फिफ्टी फोर हृदय जी नाइनटीन हिमांशु जी सेवेंटीन गौरव जी सिक्सटीन अंकित शर्मा जी सिक्स थर्टी नाइन रौनक कुमार जी फोर्टी वन शेखर शेखर जी ये सारे प्रेजेंट तो स्लिप गेजेस को कैसे फॉर्म करते हैं उसके बारे में आपको कई एग्जाम्पल देकर के यहां पर आपको बताया गया इतना फॉर्म करना है कैसे फॉर्म करते हैं ये आपको बताया गया 112 का जो स्लिप गेज का सेट होता है उसमें रेंज आपको यह होता है स्टेप्स आपको यह होता है नंबर ऑफ पीसेस आपको ये होता है ये 112 का सीट सीट को आपको बताया गया है ना इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन द बिल्डिंग ऑफ द स्लिप गेजेस ये आपको यहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स आपको स्लिप गैजेज को बनाने का यहां पर आपको बताया गया एल वी स्टार्ट विद द लास्ट डेसिमल प्लेस टेक द द डेसिमल प्लेस। नंबर ऑफ़ फर्स्ट डिडक्ट देयर थिकनेस फ्रॉम रिक्वायर्ड डायमेंशन देन प्रोसीड एज पर ऑर्डर है ना ये आपको इंपॉर्टेंट बताया गया है ये 87 सेवन सेट में आपको रेंज क्या होगा स्टेप्स क्या होगा नंबर ऑफ पीसेस क्या होगा ये एटी सेवन का आपको यहां पर अब आपको बताया गया है।, है ना? ग्रेड जीरो ग्रेड वन एंड ग्रेड टू ग्रेड टू आपको इंटेंडेड टू यूज इन द वर्कशॉप ग्रेड वन इज हाईलीट यूज इन द इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट

तीन स्टेप में आपको ब्रिंगिंग ऑफ द स्लिप गेजेज किया जाता है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया ब्रिंगिंग करके आपको दिखाया गया है स्लिप गेजेज को ब्रिंगिंग करके दिखाया गया है ब्रिंगिंग ऑफ द स्लिप गेजेज प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन यूज द मिनिमम नंबर ऑफ द ब्लॉक्स वाइप द मिजरिंग फेसेस सॉफ्ट क्लीन चौसी सिंह इंडिविजुअल ब्लॉक्स टूगेदर बाय फर्स्ट प्रेसिंग एट द राइट एंगल स्लाइडिंग एंड ट्विस्टिंग यही व्रिंगिंग ऑफ द स्लिप गैजेज है प्रोटेक्टर स्लिप्स आपको टू पॉइंट फाइव एम जीरो का आर मेड ये आपको प्रोटेक्टर स्लिप स्लिप है ये आपको इंड में एड किया जाता है ये आपको प्रोटेक्टर स्लिप्स है अभी एग्जाम्पल दिखाया गया था आपको प्रोटेक्टर स्लिप का है ना ये आपको स्लिप गैजेज है मैन्युफैक्चर ऑफ द स्लिप गेजेस ये स्लिप गेजेस का मिटटू टू यू बॉक्स में ये आपको सारा आपको दिखाया हुआ है ये सारा छोटा-छोटा से यू आपको ब्लॉक है या आपको स्लिप गेजेज है ना स्लिप गेजेज आर द ब्लॉक्स ऑफ द स्टील दैट हैव बीन हार्डनड एंड स्टेबलाइज्ड बाय द हीट ट्रीटमेंट ये एक गेज ब्लॉक उसको जानसन गेज भी बोलते हैं ये आपको यहां पे मिटटू टू का आपको दिखाया हुआ है ये आपको स्लिप गेज लेंथ है फेस लेंथ है फेस फिट है मेजरिंग फेस है ये आपको दिखाया गया है, स्लिप गेज आपको दिखाया गया है थर्टी एम फेस लेंथ एंड टेन एम फेस वीड्थ का आपको दिखाया गया है, है ना ये 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 प्रॉब्लम दिया गया था कि तीन बार दिया हुआ है ए बी सी उसका लेंथ कैसे निकालेंगे ए बी सी दिया हुआ है इसका लेंथ एल ए एल बी आप सेट करके निकाल सकते हैं है ना कैलिब्रेशन ऑफ द इंड स्टैंडर्ड आपको दिया हुआ है इंड स्टैंडर्ड के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा वेन द लेंथ बींग मेजर्ड is expressed as the distance between the two parallel faces, then it is called indy standard. indy standard can be made a very high degree of the accuracy. Sleep gauges, gap gauges, end of the micrometer and both, yes, are standard standard. These are the characteristics of the indy standard. indy standard are highly accurate and are well-suited for the measurement of the closed tolerances as a small as the 0.005 mm. They are time consuming in use and prove only one dimension at a time. In the standard are subjected to wear on their measuring faces. In the standard have built in datum because their measuring faces are flat and parallel and can be positively located on the datum surface. Right? Groups of the blocks may be rung together to build up any length, but faulty ringing leads to damage. Right? क्रिशी ऑफ बोथ इंड स्टैंडर्ड एंड लाइन स्टैंडर आर एफेक्टेड बाई द टेम्परेचर चे आपको करेक्ट ऑफ द इंड स्टैंडर्ड आपको ये दिया हुआ है लाइन स्टैंडर्ड वेन द लाइन स्टैंडर्ड बीजर्ड एज एक्सप्रेस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन देन इट इज कॉल्ड लाइन स्टैंडर्ड मीजरिंग स्केल्स इंपेरियल स्टैंडर्ड यार्ड इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर ये सारे लाइन स्टैंडर्ड है इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड measuring scales, international prototype meter, and characteristics of the line standard. Ye aapko par aapko. Characteristics aapko diya hua. A scale can be accurately engraved, but it is difficult to take the full advantage of this accuracy. a scale is a quick and easy to use over a wide range of the measurement. the we are on the leading edge in the undersizing. a scale does not possess a built-in bratum, which would allow us to scale alignment with the axis of measurement, this again results in the undersizing. And scales are subjected to the parallax effect, which is a source of the both positive and negative reading errors. Scales are not convenient for the close tolerance land measurements except in the conjunction with the microscopes. A line standard car. लाइन स्टैंडर्ड बताया गया और दूसरा सब डिविजन ऑफ द स्टैंडर्ड सब डिविजन ऑफ द स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं टर्सरी स्टैंडर्ड होते हैं और वर्किंग स्टैंडर्ड होते हैं है ना प्राइमरी स्टैंडर्ड आर मटेरियल स्टैंडर्ड प्रिजर्व अंडर द मोस्ट केयरफुल कंडीशंस दीज आर नॉट यूज्ड फॉर डायरेक्टली फॉर द मेजरमेंट बट They used once in 10 to 20 years calibrating the secondary standard. International Prototype Meter, Imperial Standard Yard are the primary standard. And secondary standard. These are the close copy of the primary standard with written design, material and length. Any error existing in these standard is recorded by comparison with the primary standard after the long interval. They are kept at the number of the places under. Under great supervision and serve as a reference for the tertiary standard. Tertiary standard, the primary or secondary standard, exists as the ultimate control for reference at the rear interval. Tertiary standard are reference standard implied by the national physical laboratory and are the first standard to be used for the reference in the laboratory and the workshop.

है ना मटेरियल का लेंथ आपको वेरी करता रहता है टेम्परेचर के साथ में इसीलिए जो है लाइट को वेवलेंथ स्टैंडर्ड के रूप में आपको लिया जाता है ये आपको वेवलेंथलेस स्टैंडर्ड है ये आपको लाइट क्रिप्टन फील्ड डिस्चार्ज ट्यूब ये जो आपको लाइट स्टैंडर्ड है है ना मटेरियल लेंथ डिसएडवांटेज ऑफ द मटेरियल लेंथ स्टैंडर्ड

यार्ड का फिगर आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है है ना इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड और ये आपको टेरिस का इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर को आप फिगर आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ये इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर है इसका क्रॉस सेक्शन आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है वन मीटर लॉन्ग है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड प्लेटिनम इरिडियम एलो का बना हुआ है न्यूट्रल एक्सिस है इन है ना ये ट्रेस का क्रॉस सेक्शन में आपको दिखाया गया प्लेटियम इरिडियम का ये आपको बनता है है ना ये आपको इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर दिखाया गया स्टैंडर्ड ऑफ द लेंथ रोल ऑफ द स्टैंडर्ड एंड डिफिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डिफिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड A standard is defined as something that is set up and established by an authority as a rule of the measure of the quantity, weight, extent, value or quality. Your definition of a standard. And the role of a standard is to achieve uniform, consistent and reputable measurement throughout the world. A